दोस्तों आजकल एक ड्रग है जो सबको लगती चली जा रही है, सब उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं, खास तौर पे यंगस्टर्स, और उसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का। और वो ड्रग क्या है, उसका नाम है हैप्पीनेस। आप इंटरनेट पे चले जाएं, हर जगह आपको हैप्पीनेस का वर्ड मिलेगा। जितने आपको खिताब करने वाले लोग मिलेंगे वो आपसे इसी बारे में खिताब करेंगे कि आपको खुशियां दे देंगे। जितनी सेल्फ हेल्प बुक्स मिलेंगी हैप्पीनेस के हवाले से मिलेंगी, खुशी के हवाले से मिलेंगी, और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ये एक नशा है, ये एक ड्रग है, ये हेलुसिनेशन है। ऐसा कभी नहीं होता। जिंदगी में असल चीज खुशी नहीं है, खुशी तो हमेशा माजी होता है, खुशी कभी भी हाल नहीं होता, मुस्तकबिल नहीं होता। अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो वो तो माजी हो गया, अगर आप किसी चीज पर खुश हो गए तो वो भी माजी हो गया। असल में जो चीज है जिसकी आपने तलाश करनी है जिंदगी में, वो दिल का इत्मीनान है, वो रूह का इत्मीनान है, वो सुकून है। इस ड्रग से बचें, ये अभी आई है, इससे पहले लोग इत्मीनान ही ढूंढा करते थे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको नशई हजरात के डेरे पे ले जाते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। नशई अंकल, आई हैव मिस्ड यू सो मच। मुबारक होए की हाल है, तेरे ब्याह में गया, तेरे बदले दा मैं हार तोड़िया, तेनू पता ही नहीं लगा। भाजी मुबारक होवे, नवा जहाज ले आ जाए। इहदा नाम हैगा डिपार्चर। दालक जी लैंड हो गया। सुनो, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तुम्हें साल में देख के इतना दुख होता है। ऐही गल तू कहते, मैनू पहले टीके ते कह देंदी ना। जड़ा काफर सी जड़ा पींदा, हुण की ते साडी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। अच्छा, तुम्हें अगर एहसास है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हाँ जी, तो खुदा रा अपना इलाज करवा लो यार। इलाज कर, टीके ला रहे हूं, होई होई साडे जबाई साडे 3000 टुर गए, यकीन करो। आप 3 की बात करते हैं, 1000 लोग लवारिस लाशें यूं सड़कों पे पड़ी मिलते हैं नशई हजरात की सालाना। ओए आओ भाई, हुण की करिए, साडे ते घर दे वारिस नहीं बनदे ते बाहर दे किन्ने बनना है। लेकिन एक बात बताऊं हारून साहब, मुझे इन नशई लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया। अच्छा, कदो तेरे घर जाके बुआ गड़काउने साडी मदद कर। अच्छा नहीं, देखिए आप जो इर्जा बात कर रही हैं, ये हमदर्दी के मुस्तहिक इसलिए हैं क्योंकि जो केमिकल इनके अंदर जा रहा है, जो स्टिमुलेंट्स इनके अंदर जा रहे हैं, वंस ये उसके एडिक्ट हो जाते हैं फिर ये चाह के भी नहीं छोड़ पाते। नशा अपने खून का ही होता है बाबा जी। क्या ओए आओ, दे विच खून होएगा ते नशा होएगा। ए नशा उन्नी देर बंद नहीं होना जिन देर ए पीण वाले नु ना फड़ो, ओए बेचण वाले नु फड़ो ना, मर्जी खाया सानू। आप सही कह रहे हैं, ये बंदा सही कह रहा है। सबसे पहला काम कि गवर्नमेंट को रिहैब्स बनाने चाहिए। ऐसी है जी, तो रिहैब से तो ये लोग भाग जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे रिहैब्स बनाए ना कि ये ना भागे वहां से। सही बात, कि नहीं नहीं पैसे लेंदे अगले, नहीं प्राइवेट है ना, प्राइवेट है ना, हां जी, फ्री में तो कोई नहीं है। और नहीं ये कहेगा फ्री उच बेड़ा मार दे, मैं ता नहीं जांदा उधर। तुम जब इस तरह बाज मोड़ के बात करते हो, तुम्हारी किसी बात की सीमा है? फ्री दे नर्सरी वाले बोल थले नहीं होते भाई, कुड़ियां भी पीदियां यकीन करो, इथे किनियां सण धियां बैणा, असि उना नशा छड़ाया, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ARY ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇ ਟੋਪੀ ਇੰਜ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੇ ਤੋ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਕਿਆ? कि वाकई कई लोग इतने कमज़ोर होते हैं ज़हनी तौर पे कि वो नशे की तरफ चले जाते हैं, तो कई लोगों के लिए ब्रेकअप जो है वो नशे की तरफ जाने का बाइस बनता है। कई अपने घर से तंग होते हैं, किसी एक बात से तंग आके नशा शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, तो उनकी थेरेपी ज़रूर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बता रहा है ये। मोहब्बत जी नाकामी होती ना, फिर भी नशे लग जाए। 3 बीवियाँ बेचारे ने कीतियाँ ने, एक भी खोल नहीं रही, नशा ना करे तो की करे। अच्छा, वो क्यों नहीं रही वैसे? नशा करता ही। ये बताओ कि तुम में जान तो है नहीं, अपना वजन तुमसे संभाला नहीं जा रहा, ये तुम ढक्कन कैसे उठा लेते हो गटरों के? तेरे में उन्हें जवानी वाली फोटो भाई ना, तू कहना ओहो। ध्यान ना बुद्ध टीका लाना ही, अगे 3-4 जगह से नशा कीता है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਓਏ ਆਓ ਜੀ, ਵਨ ਟੰਗ। ਬਸ ਯਾਰ, ਮੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਓਹੋ, ਕਿਵੇਂ? ਕਿੱਦਾਂ? ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸ਼ੁਗਰ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਫਰਸ਼ ਉੱਚਾ ਕਰਾਓ, ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਚ। ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਤਾਕਰ ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਨਵਰੋਂ ਸੇ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਬਲੋ ਨਰੋਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਯਾਰ, ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਨਰੋਜ਼ੇ ਕਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਰ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ, 8 ਟੀਕੇ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਰਹੇ? ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੇ ਹੋ ਸਿਰਿੰਜਸ ਕੋ? ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਦਾ ਕਰਨਾ, ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦੇਈਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਨਏ ਲੋਕ HIV ਕੇ ਸਾਥ ਆਤੇ ਹੈਂ। ਕਿ ਨਹੀਂ? 40,000, ਔਰ ਇਨਮੇ ਸੇ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਐਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੰਗਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਟੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸੀ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇਣੀ। ਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੜਾ ਗਿਆ। ਓਏ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ, ਤੂੰ ਸ਼ੋਪਰ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਕਾਮੀ ਕਦਨ ਨਸ਼ਈ ਅਸੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਹਾਥੀ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਸਾਥ। ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼, ਐ ਬੇਗਮ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸਸਰਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ। ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਕੋ ਛੋੜਨੇ ਆਏ ਥੇ ਨਾ ਇਧਰ? ਭਾਈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਣਗੇ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਆਪ ਇਹਨੇ ਛੋੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਤੇ, ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਸ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਸਰਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਸ਼ੇਰ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10 ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਰੁਕਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਯਾਰ? ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ ਦੇਵੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਛੱਡੋ, ਐਵੇਂ ਬਕ ਬਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਨੂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਬਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਰੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਕਰੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਤਰੋੜ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ। ਉੱਠੋ, ਉੱਠੋ। ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਹੀਰੋ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਕੋ? ਓ ਬਾਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਲ। ਯਾਰ, ਉਸਕੀ ਨਈ ਨਿਕੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਮਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ, ਆਪ ਵੀ ਕੋਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕੋਨੀ। ਅਬ ਉਸਕੋ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਬ ਉਹ ਆਏਗਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਲਈਏ।
वैसे तुम लोग बहुत स्लो हो, चोरी करते वक्त इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? ये सोचे ही नहीं असी यार। जी तो कोई चोरी करने वाली चीज सामने आंदी ना, सानू अंदरों कोई मोटिवेट करता है। बेवकूफ दे पुत्रो, मोटरसाइकिल दे विच तेल हैगा वा, ओ बेच ही रहन देना जे। ये गलती, माई अपोलोजाइज। छेती कर बेटे छेती। चल यार विच सुट के ना तू सुरकड़ा मार दे, रहा स्टैमिना सही है। पता नहीं कदों पै दे जे फेफड़े काम करते ने, एक साज 24 लीटर तेल कढ़ लैंदा जे। मोटरसाइकिल मेरी। देखो दोबारा मेनू जापान दे के बनवाउनी पैणी। इन्हां मैं गंदियां गालां कढांगा जिहड़े लोक लांदे ने। चलो छड्डो, एवें किसे दे मुंह ते नहीं कुछ कहीदा हुंदा। 5000 ਭਾਜੀ ਕਮਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਕਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਓ ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓਗੇ ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ? 1200 ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ 1200 ਦੇ? ਦੇ ਲਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਥਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। पूरी मार्केट फेर लो, तुहानू ना होलसेल दा रेट लाया। यार कोई मेहरबानी करो यार। बाबा जी तुहाडे लई रहते करांगे, बे सारियां चीजां ला के अद्धा लीटर तुहानू पेट्रोल फ्री दे दिया। देखो भाई देख लो, 1000 रुपया मेहरबानी करो। चलो 1100 दे दियो, ये भी तुहाडे मुंह नूं ही आ, क्योंकि मुंह वड्डा मुंह है तुहाडा। ओए रादी जिहड़ा ट्राला आया उहदी लाट किथे गई? आ साजी पई आई। लो जी तफागन भाजी, तुहाडा ही फिटिंग वाला ही पूरा माल जे, एक एक चीज अपनी पूरी कर लो। मेरा ख्याल है रादी तुसीं 32 व्हीलर मंगाया, सामान ज्यादा है। भाई असल जे ना ट्राला वड्डा गली च वड़दा नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा करके लियाईदा। इह देखो बाबा जी, सीट दो टापे, टैंकी का ढक्कन, दो शीशे। मेरा ख्याल है तुसीं कल दा ही आर्डर कीता है, भी तुहाडे कोल अज बुकिंग आनी है। अले सर जी, ये रनिंग आइटम हैगी ना ऐसी तक। बोरी वापस करनी, 100 ले लेना। भाई बारदाना बहुत महंगा हो गया। लो अच्छा जा कह रहे हैं भाई जी, मैं सालन लेके आवांगा। मोटरसाइकिल तहवील च अब कुछ नहीं उतरेगा इसका, ठीक है ना जी? डोंट वरी, अब कुछ नहीं उतरेगा, पहले तेरे कहने से उतरेगा। नहीं, पहले आपने उन्हें कहा नहीं था ना, अमानतदार नहीं बनाया था। हाँ हाँ, तो पहले मेरा ख्याल तुसी ते सारे अन्ने हो। देखो दिहाड़ी लग ही गई है ना,
उधर वेखी पैसे मेनू कोई घट लगते ने गिनी जरा तुम लोग क्या पूरे हिस्से करते हो ये आपने देखा इसने छुपाया है ना कुछ पैसे हारून सर साहिब मेनू 400 घट लग रहे है यार ओनू गणा यार ओ मुंशी भी रहा एक दौर यूनो पैसे घट दे गया बाबा जी घट दे गया ओ बंदा ही ऐसा था जी इंज दा ही अब देखो ना घट ते मेनू आए तेनू की पता रहंदा हां दे तू ते आज आया ओ सीनियर हैगा ओनू तू दिखाओ गेंद पुत्र घट लगदे मेनू नहीं घट नहीं उस्ताद जी पूरे ही है यार तू गिड़ी ना मेनू घट ही लगते बहुत ही लो जी 200 रुपया दे के गया जी पुत्र मेरे को लुआ दे एक ते वजन दूसरा तेरा बहनोई भुखा है पान मेनू तो बदा नजर नहीं इतने आ रहा जिन्हें ताडा समान चोरी किया ओ किथे आ बंदा दी मैं लता बांध देगा और मैं छड़ांगी नहीं किसे नू वो तो निकली है सीन उन मेनू इतने 3-4 दिन लग जाने जब तक बंदा फड़ेगा नहीं ना आएगा नहीं तो आपने उसे बताया क्यों नहीं कि ये चोर हैं उन्हें मौका देता मैं हाथ किवें लाया समान लग गए बंदे पिस्तौल लैवां मैं घर भुल गया चलो दसो यार दिमाग नूं की हो गया मेरे को पिस्तौल ही कोई नहीं हरून साहब बंदा मेनू दुश्मनदारी वाले ही लग्या जे ओए बकवास बंद करो ते उधर वेखो ये लखा रुपया कैमरे ते सी एवें नहीं लाया ए जेड़ा तुसी समान गड्डी तो लाया ना ये तुहाडी विच वीडियो आ गई है ओए ओए असी मशहूर हो गए मशहूर नहीं हो गए हुणे तुहानू ले जाणगे ना लम्मिया पा के जैसे कुटणगे मजदूर हो गए हां ओए ओ पैसे वापस करो लियो जी जिन्ने जिन्ने गिने सी दियो आपके साथ छोटा सा प्रैंक किया था और कैमरे वाले वे के हाथ ला दियो आओ भाई जी तुसी मेरे नाल चलो रिपोर्ट लिखाओ तो फिर आके इन्हां नूं अरेस्ट कर दे ते पहले असी दोनों फिरन टुरन आए सी आप दरअसल समझ रही है पेमेंट रिकवर हो गई है ना अद्धी रिपोर्ट तो नहीं लिखनी आओ जी चलो जी है मेरा ख्याल है उदई दे पुलिस वाले दी कोई सुलह सुवाई लगदी नहीं नाच क्यों रहे हो दिहाड़ी बड़ी दिहाड़ी बाबा जी दिहाड़ी कहां तुम तो पकड़े गए हो यार 10,000 दी मोटरसाइकिल लखा रुपया दा कैमरा चल पुत्र उस्ताद जी इनोग्रेशन करो चलो उस्ताद जी अगे आओ ओह माय गॉड आदरा ओए ओए बंद कर लो बाबा जी पहले करंट ना पै पक्के ही ला छे